उन्होंने कहा इस पर रिसर्च करनी चाहिए। उन्होंने एक एक्सपर्ट जोड़ा भेजा वहां, उन्होंने एक आदरण शख्स के वहां रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं बात बनी, रास्ता ब्लॉक किया फिर भी बात नहीं बनी। आप इसका हम ये करते हैं कि जो डूबते हैं उनको तैरने की ट्रेनिंग दी जाए, यानी एजुकेशन ऑडियंस को भी कवर करो आस्ता आस्ता। इससे रेशो और कम हो गई तैरने की, जब उन्हें तरबियत थी उनको तैरना आ गया, जब वो डूबते थे तैर के निकल आते तो कम थे उससे मरीज कम हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जिनको नहीं तैरना आता उनको लाइफ जैकेट दे दो। तो ये एजुकेशन के साथ प्रिवेंशन भी के इससे मसला जब भी क्लैपिंग आनी ना क्लैपिंग ग्लोबल कर देना। रहने के बाद वो जगह भी ब्लॉक हो गई थी, कस्टमर के पास ये रोड में जाना पड़ता था, क्यों जाते थे फोन नंबर करो बता दे ठीक होगा। इस तरीके से उन्होंने इस मसले का हल ढूंढा। इसमें उन्होंने किया क्या, जैसे जैसे मसला बढ़ता गया वो स्टेप वाइज चलते रहे, स्टेप वाइज चलने के बाद उन्होंने उसका हल ढूंढ लिया। जिंदगी में जब आपको ठोकरें पड़ेगी, ये मैंने क्यों मिसाल दी अभी मैं जैसे जैसे आपको ठोकरें लगेगी वैसे वैसे आप संभलते जाएंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको हर किस्म की ठोकरों का सामना करना पड़ चुका होगा, वो स्टेज होती है जिसपे हम हैं, जिसका आप मजाक उड़ाते हैं, ये सब कुछ आपके सामने आएगा। आपको जब ठोकरें पड़ेगी आपको सहारा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिर बड़ा मैं याद आऊंगा कि इस कॉलेज में कभी कोई प्रिंसिपल हुआ करता था, ये गारंटी है। आप उससे नफरत करें या मोहब्बत करें का बहुत खूबसूरत कौल है कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं फिर भी मेरे हक में है, अगर आप मुझसे नफरत करते हैं फिर भी मेरे हक में है। किसी ने पूछा वो कैसे, उसने कहा अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आपके दिल पे सवार हो जाता हूँ, जब आप मुझसे नफरत करते हैं तो आपके दिमाग पे सवार। दूसरी एक मिसाल बेटा मैंने आपके सामने जो देनी है, आपने अक्सर सुना होगा स्टिच इन टाइम सेव, सुनी होगी कि एक जो घोड़ा जो था उसकी सूंड जो है नीचे, उसके नीचे जो खुली लगती है जिसको हम शू नेल कहते हैं वो काम हुई थी, यानी वो नहीं टाइम से लग सकी। उससे क्या बना वो मिसाल ये है कि शूज अगर आपके पास लॉस हुआ तो शूज के क्या हुआ, शू के बाद घोड़ा जो है उसका पांव जख्मी हो गया, घोड़ा चलने के काबिल नहीं रहा, तो आपने घोड़ा लॉस कर दिया। जब घोड़ा लॉस हुआ तो जहाँ आप जा रहे थे जो मैसेज लेके जा रहे थे वो मैसेज लॉस हो गया, जब मैसेज लॉस हुआ तो आप पैगाम लेके जा रहे थे सुलह का, तो आगे जंग को आप नहीं रोक सके, बैटल जो है वो लॉस हो गई, बैटल जो है लॉस हुई तो आपकी वार लॉस हो गई, जब वार लॉस हुई शिकस्त हुई आपको उसका नुकसान क्या हुआ, आप अपने बादशाह से हाथ धो बैठे। ये मिसाल मैंने इसलिए कोट की है कि अगर आप जैसे पिछली मिसालें दोनों मैंने कोट की हैं, अगर आप सिस्टमैटिक स्पोर्ट चला दें जो मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन चलाया है, तो डूबते रहेंगे आप, बढ़ते रहेंगे, तैरते रहेंगे, कोई बचाने वाला आपको नहीं आएगा। इसको अगर आप उल्टे चला दें जो बात है कि बादशाह बचानी है तो आप मैसेज कन्वे करें, मैसेज कन्वे करना है तो घोड़ा तेज हो, उसकी सुमिशों में ठीक हूँ, पाँव जख्मी ना हो, रास्ता ठीक हो, उसके बाद अगर आप करेंगे वो मैसेज वहाँ पहुँचेगा, जंग होने से पहले सुलह हो जाएगी, लड़ाई बुटाई से मार पड़ाई से आप बच जाएंगे। ये दो चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं जो मैंने आपको कहा था। इसके बाद लफ्जों का जो नोट भी है लाइफ स्किल से क्या बनता है उसको देखेंगे। ये स्लाइड है बेटा मैं जो अभी मैंने मिसाल दी है वो मैं चढ़ाने लगा हूँ। इसमें एक चीज़ दो तीन स्लाइड में दिखाऊंगा क्योंकि आप जो लग रहा है सिक्योरिटी वाले मसला सीरियस है। अक्सर मैं जिक्र करता हूँ चिल्ला माकोस का सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये एक मैं स्लाइड आपको दिखाऊंगा, एक जानवर जो है शीशे के सामने अपने आप को देख रहा है, उसकी ग्रेडिंग भी है, अच्छी स्लाइड एक दिखाऊंगा आपको मैं जाके। किला माकूस वो होता है कि जब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ मैं रिटायर हो जाऊंगा चला जाऊंगा, जब भी कोई लेक्चर देने आएगा आपके कानों में आपके जज्बा सद में मेरी आवाज़ गूंजेगी, मैं यहाँ नहीं होगा लेकिन आवाज़ गूंजेगी, इसको हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसकी अगला वर्षन है कि बातों में बातों में गाद आसी पैसी हो गई, राजा भी खो गया रानी भी खो गई, घटिया है मैं नहीं बोलती मेरी मेरा यार बोल रहा। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सेल्फ रिफ्लेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। और जब भी मैंने जो फार्मूले की बात की उसमें सेल्फ का लफ्ज बोला है सेल्फ लाइफ, उसको अगर मैं सेल्फ लाइफ की बात करूंगा इनसे क्या बनता है, उसके बाद शाइव टेक्निक क्या है वो मैं बात करूंगा, फिर आगे चलते हैं। लेकिन ये जो वो यहाँ मिसाल आनी थी
वो इसलिए मैंने पहले आपको बताया है। ये आगे जो मसाले आएंगे, ये अभी मैंने बताया था, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है खरबों का, जिसकी हमारे कॉलेज के हर कॉलेज दो दो बंदे लिए थे, खिजर साहब और निसार साहब ट्रेनिंग करके आए हैं। लेकिन जो ये ट्रेनिंग करके आए हैं उसके बारे में कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। इसका मतलब है ऐसे पैसे हजम होते हैं, जैसे इसकी ख्वाहिश थी वहाँ में लिखा है, ना हमें किसी ने बुलाना है ना हमने वहाँ जाना है। नायाब चीज़ें नायाब ही रहती हैं, रेयर थिंग्स ऑलवेज फाउंड इन रेयर एयर। तो मैं क्या हूँ, इतने लोगों के जज्बे में हुकूमत कर रहा हूँ, दैट इज नोबल प्राइज फॉर मी। मुझे ये ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। ये बेटा वो मैं लिख रहा हूँ ऊपर, मेरी ये सेल्फ रिफ्लेक्शन ही है, ऊपर ऑब्जर्वेशन हो रही है। ये वो है कार्टून जो आपको दिखाने वाला है, ये है सेल्फ रिफ्लेक्शन। कार्टून बार बार शीशे के सामने आके देखता है, क्यों देखता है आगे मैं बताऊंगा। जैसे आप देखते हैं बार बार शक्ल देखे बाहर, तो ये इसलिए आपको यकीन नहीं आता, उसकी वजह जो आप हैं शीशे ने वही दिखाना है। शीशे का क्या कसूर है, जब आपके अंदर वाला भुगत जो है वो बाहर नहीं निकल रहा तो शीशा कैसे साफ कर देगा। इस बारे में एक बड़ा खूबसूरत बंद है पंजाबी का, मोह तायब दिलो न तौबा रब सफाइयों वांझे गड़वे वांगू विचों लुदा उत्तों दिसन बांझे। कभी आपने दूध बेचने वाली ओटियां देखी होंगी, ऊपर से गड़वा चमकाया होता है, अंदर डड्डू फेर रहे होते हैं। ये आपका हाल है, ऊपर से मेकअप पे मेकअप चार देते हैं, अंदर आपके खबास छुपी हुई है। ये चाहता रहो मैं जुबान में असर कहाँ, कहाँ से उस्तादी, कहाँ से शिगिर्दी, कहाँ से इंसानियत, कहाँ से तरक्की, कहाँ से इज्जत, ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, आप खुद नहीं चाहते आप आए। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है, ये बंदे को बता रहा है तुम्हारा ए प्लस ग्रेड है, क्यों, जो तुम नजर आ रहे हो वही तुम्हारी औकात है। ये साइड ये दिखा रही है, इससे ज़्यादा बनने की कोशिश ना करो। आगे की साइड है बड़ी अहम, ये वो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके साथ पेश करनी है। ये चलो यहाँ देख ले, फिर मैं अभी बयान करता हूँ। इस पे मैंने एनिमेशन लगाई है, ये क्वेश्चन अभी मैं पढ़ता हूँ, वो साइड है आपको दिखा लूँ। ये है कि हाउ पीपल परसीव यू, और लोग आपको क्या बारे में क्या देखते हैं, इसको थोड़ा सा देखो। वो बिल्ली है, ये शेर है, तो लोग आपको क्या देखते हैं, जो आपकी शक्ल होती है, बिल्ली वाली शक्ल ना होगा आपको बिल्ली कहेंगे, शेरों वाली शक्ल है शेर कहेंगे। अब बिल्ली को शेर कैसे बनाना है, ये अगली स्लाइड जो आई थी, बिल्ली शीशे में देख रही है, शीशे में शेर नजर आ रहा है, दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। इतना अजीम हो जा कि मंजर तुझे पुकारे, लोग सड़ते जलते रहें, कटते मरते रहें, जादू टोने करवाते रहें, यू आर द हीरो। ये बेटा स्किल्स क्या है, सेल्फ क्या है, यह भी फॉर्मल बताता हूँ आपको। ये सेल्फ मैनेजमेंट है, इसमें आगे देखता हूँ साइड दुखाने में, फिर मैं सारी चीजें आपको समझाता हूँ। पहले ये जितनी आपके सामने कोटेशन गुजरी है उसमें पहली कोटेशन थी, ग्रेट थिंग्स नेवर अचीव बाय इंपल्स, किसी शॉर्टकट में, पल्स कहते हैं लम्हाती चीज को, आपके पल्स जो है ये झटकरे मार रही है लम्हों में। तो ग्रेट थिंग्स जो हैं ये शॉर्टकट से नहीं मिलती। उसके बाद आपने क्या करना है, सीरीज ऑफ स्मॉल थिंग्स ब्रॉट टूगेदर, ये मिलती हैं जब आप बहुत सारे काम जो हैं मिला के इकट्ठे करते हैं, फिर वो ग्रेट थिंग्स आपको मिलती हैं। तो ग्रेट थिंग्स के लिए योर थिंकिंग विल बी ग्रेट, योर थिंकिंग विल बी क्रिटिकल, your thinking will be creative, you are the novel one, you are the unique one, फिर वो चीज़ें आपको मिलेंगी। पहली क्वेश्चन ये थी। दूसरी वहां क्वेश्चन है कि life is not holding a good cause, life is playing those you hold well। जिंदगी जो है अच्छे कार्ड किसी को दिए जाए, अल्लाह ने अगर किसी को दे दिया तो टमक टमक फिर रहा है, तो फिर जिसको नहीं दी उसने क्या करना। तो जिंदगी जो है अच्छे कार्ड किसी के पास आ जाए तो वो खेल देता है, वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी ये जो आपको अच्छी तरह खेलो, ये दूसरी क्वेश्चन थी। इसमें बड़ा फर्क है जो मैं कह रहा हूँ, सोचने की समझने की कोशिश करो। अच्छे कार्ड दे के खेलना, जैसे हम कहते हैं होम ग्राउंड में खेलना कोई कमाल नहीं, बाहर वाला खेल ग्राउंड पर जाके सेंचुरी करोगे वो कमाल है। तो इस क्वेश्चन का मतलब भी यही है कि लाइफ जो है वो अच्छे कार्ड रखने का नाम नहीं है,
जो मुंह में सोने के चमचे पैदा लेके हुए हैं वो अच्छा जी रहे हैं, कोई कमाल नहीं। जिनको लोहे के चमचे मिले हैं उनको सोने का बना के जिए, फिर मजा है। उसके बाद एक आगे क्वेश्चन थी कि एवरी टाइम इज नॉट ए गुड टाइम इफ यू नो व्हाट टू डू विद इट। हर टाइम गुड टाइम बन सकता है अगर आपको पता हो कि आपने इस टाइम को इस्तेमाल कैसे करना है। उसके बाद क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स आर मैनी यू मस्ट हैव कैपेसिटी टू डू वेयर टू सॉल्व देम। आगे क्या मसला है कि ये जो आपकी सॉल्व करने की खासियत है कैपेसिटी, इट इज लिमिटलेस। ये आमतौर पर कोटेशन में कोट किया करता हूँ कि अल्लाह ने कहा कि कोई मसला कहा ना तुम्हें मैसे पैदा ही नहीं किया, उसकी गोद में उसका हल भी रखा हुआ है, बशर्त है कि आप गोद तक झांकने की सलाहियत रखते हो। ये सलाहियत जो है आपको मैं वो नज़र देना चाह रहा हूँ जिससे नज़ारे बदल जाते हैं। अकबाल ने अक्सर जो बातें की हैं आँखों को नज़र कहा है, उसकी वजह यह है कि नज़र जो है वो आमने आँख नहीं होती, वो नज़ारा बदलने वाली आँख होती है, और नज़ारा बदलने वाली आँख सिर्फ उसकी होती है जिसका ग्रोथ माइंड सेट हो फिक्स माइंड सेट से। अपना मुहावरा है यदि प्यो ने बिली ना मारी तो बोतने की शेर मारना, या बंदे के बदले कुछ नहीं है उसने खाक करना है। अब मुझे कुछ नहीं आता मैं आपको खाक पढ़ाऊंगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये हकीकत है, इनको को माने या ना माने प्रॉपर कहाँ से आएगी। या मैंने आपको पढ़ाया कुछ नहीं तो पर्चा मैं सबसे मुश्किल बनाऊँ क्यों। ये सवाल हैं जो हमें अपने दिमाग से पूछने चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं हम नई नस्ल को क्या दे रहे हैं और उनसे क्या मांग रहे हैं, क्या अपनी तमन्ना थी, क्या सामने आया है। ये बड़ा खूबसूरत गाना है, उजड़े हुए ख्वाबों ने हमको ये बताया है, क्या अपनी तमन्ना थी क्या सामने आया है। इसका पिछड़ा मिश्रा है, दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गवाया है। आपका दिल पहले किसी को पाता ही नहीं है, अगर पाता है तो आंखें लाया कर देती। तो इस तरीके से बहुत मुश्किल है, आंखों को हासिल करना चाहिए ताकि वो दिल रहे। आप उल्टा काम करें, उल्टे काम कर दीजिए भी उल्टे होते। उसके बाद मेरा एक लेशन है, जहाँ लेशन थी कि उसकी है आइंस्टाइन की शायद सीन फॉर्दर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। मैं जो कि बहुत दूर तक देख सकता हूँ, ये बिल्कुल इसकी वजह यह है कि मैं जिन्हों और चुड़ैलों के सर पे सवार हूँ। ये इशारा इस तरफ इस कोटेशन में कि विरासत ऑफ राइट ज़्यादा कोई चीज़ नहीं चल सकती, जिसका मतलब है जो पूरी दुनिया तक देखने की साहित रखता है उसके पास एनर्जी एटलीस्ट इक्विवेलेंट टू लाइट एनर्जी है, और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये कोटेशन आपके सामने गुजरी है। उसके बाद एक कोटेशन गुजरी है कि पांव एक रखा हुआ था आगे पुल था नीचे। उस कोटेशन का मकसद है कि टेक ए स्टेप देयर विल बी ए ब्रिज, पहला कदम आप उठाओ आगे पुल बनते जाएंगे। ये कोटेशन है बड़े काम की, जिसलिए मैंने यहाँ कोट किए हैं। उसके बाद एक कोटेशन थी उसमें एल ई ओ था, यानी वो टारगेट वो मिजाइल या वो चैलेंजर है या वो स्पेस शटल हैं जो अर्थ के नियर ऑर्बिट में घूमती रहती हैं, वो कभी स्पेस में नहीं पहुंची। उसकी वजह यह है, इसके पीछे 12 न्यूटन सेकंड लॉ है कि आप पूरी मैस जो है आपने फट के जाया करनी थी, आप वहाँ घूम के जाया कर देंगे अर्थ की शक्ल में, तो आप ऊपर जाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। आप यही कर रहे हैं, नोट्सों को घोटा लगा के वहाँ जो है ना खुदाई मिला ना वो साले सनम। तो आप जो नोट्स में घोटा लगाते हैं वो आपको समझाते नहीं हैं, जब आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं सीवी आपको लिखना नहीं आता, रेज्यूमे सीवी में फ़र्क आपको नहीं पता, क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग आपके पास नहीं है, इनोवेशन आपके पास नहीं है, डिग्री कुछ और कर रही है, आपका मुंह कुछ और कर रहा है। खाली जो है किसी मेकअप बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छे सूट पहनना बड़ी अच्छी चीज़ है, डांस नखरे बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे जैसे ऐसे खत्म आगे होते हैं जिनको इन चीज़ों से शायद नफरत भी होती हो। हम अंदर लोगों के जान के देखते हैं, जिनका अंदर साफ है वही साफ होते हैं, जिनका बाहर जाना मर्जी साफ कर रहे हैं, सफाई नाम की उनके पास कोई चीज़ नहीं होती। और अक्सर लोगों को जो यूनिक होते हैं या ग्रोथ माइंड सेट वाले होते हैं उनको ये चीज़ें मुतासर नहीं करती, उसको अगर कोई चीज़ मुतासर करती है दैट्स योर इनर सेल्फ। तो ये वहाँ कोटेशन आई थी, इसको मैंने आपके सामने देखा है। उसके बाद मेरे ख्याल जो स्लाइडें हमने गुजारी हैं यहाँ तक था। उसके बाद आगे एक दो चीज़ें आई हैं जिसको मैंने शहर मैनेजमेंट की बात की है, उसमें फार्मूले दो तीन लगाने ज़रूरी हैं। आपके पास अगर पेन या पेंसिल आती जो मैं कहूँगा लिखेंगे फिर आपको मज़ा भी आएगा समझ भी आएगी। दूसरा स्टेप जो मैंने कहना था कि पहले मैंने कहा वो लाइफ स्किल क्या है, वो नोट में वही आपको स्लाइड दिखा दूँ ताकि आपकी बेसब्री जो है उसमें इजाफा ना हो।
ये स्पेशलिटी है, अगर आपके पास बेटा ये है तो आप आइडल प्रेजेंटर हैं, जो भी मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। ये है वो जो भी मैंने दिखाया था विलेज वाला, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उन्होंने हल ढूंढा, ये साल साल वो चीज़ें बनाई हुई हैं कि वो उन्होंने कश्तियाँ बनाई, बांध बांधे, वो घर उनके हैं, डूब रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ कैसे उन्होंने कलाबोरेशन कोऑर्डिनेशन की। ये वो जो डूबा था अभी वो बनाया हुआ, वो बंद जो बनाया हुआ है, ये जो डूबा था उसको सांस ला रहे हैं बाहर ला के, ये वहाँ वो जगह कवर की हुई है। ये अभी जो मैंने दिखाया था ये लाइफ स्किल हैं, क्या आपने लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए हैं वो स्किल थे, जो लोगों की आपने ज़िंदगी बचाई हैं वो लाइफ स्किल हैं। ये उसका खुलासा सारा, ये आप कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग टेस्ट है कि किस दिमाग में क्या कुछ आता है। इसको हम कहते हैं 5C ऑफ लाइफ स्किल्स, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस, क्रिएटिविटी, कंपैशन और करेक्टर। आखिर पे सबसे आपके करेक्टर है, इसका भी मैं जिक्र करूँगा। ये करेक्टर डेस्टिनी, आपने कोटेशन सुनी होगी कि जिसमें करेक्टर लास्ट है, एवरीथिंग इज लास्ट, बाकी जो भी लास्ट हो जाता है कुछ नहीं होता, इसका किरदार गया तो सब कुछ गया। अकबाल इसीलिए कहता है गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बनना सका, गुफ्तार का गाजी बनना बड़ा आसान है, किरदार का गाजी बनना बड़ा मुश्किल है, और बादल सीधे हमें वो गाजी नहीं है।